नंबर द्या मी समाज कल्याण आमचे नाही समाज कल्याण म्हणजे नाही हो की मी याकडे खात आहे त्यांनी नंबर नाही घेतलेला पण आधीच काढून घेतला नंबर कोणाकडे देऊ तयार आम्ही आम्ही ना भैया महाराष्ट्र में दो सरकारें हैं, एक तो हमारी बीजेपी सरकार, दूसरा नालासोपारा सरकार। वहाँ पे जो नगर पालिका है वही सरकार है, वही सब कुछ है। वहाँ के जो रहवासी हैं उन लोगों को प्रताड़ना देते हैं। जब अच्छा रहेगा वो तो लुटेरे है ही, और उनके लिए अच्छा हो जाएगा। हमारा सामान भी लेकर जाए, हमारा घर भी तोड़ लें, वो जो जमीन है उधर टावर पास करवा लें, पैसे भी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेवन न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तो यहाँ हम सुबह से आजाद मैदान में आए हुए हैं और ये आचोर का जो मामला है, ये लोग आजाद मैदान में यहाँ धरना कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सुप्रिया ताई सूर्य मैडम आई थी, एक दूसरा और आंदोलन है उसकी बात करने, लेकिन इन लोगों ने भी डेलीगेशन ने बात किया, बाद में मैडम को समय नहीं था तो मैडम साथ में गाड़ी में बिठा कर लेके गई, इनकी पूरी बात सुनी और इनको आश्वासन भी दिया। तो क्या सुप्रिया ताई मैडम ने कहा वो इनसे ही सुनते। मैडम हमने देखा है और कैमरे में भी दिखाई दे रहा है, लोग देख पा रहे हैं कि सुप्रिया ताई से आप लोगों ने बातचीत की, तो अब यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाने के बाद आपकी क्या बात हुई? उन्होंने बोला आपके घरों को हम टूटने नहीं देंगे, मैं प्रयास करूंगी कि आपका जो कार्रवाई है वहाँ पे थोड़ा वो रुक जाए और आप लोग सुरक्षित रहें। और आप उन्होंने उनको फोन भी लगाए एकनाथ शिंदे जी को, और बोला भी कि सब लोग भीग रहे हैं, चार चार आंदोलन आजाद मैदान में हैं और आप गए नहीं हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए देखिए उन लोगों के साथ इंसाफ करिए। मेरे सामने ही ताई ने फोन लगा कर कहा। तो अभी ये तो हुआ कि ताई ने अपनी तरफ से प्रयास किया, और अब रही बात, आपने भी मुख्यमंत्री महोदय का जिक्र किया, तो आप सुबह से बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ आपके साथ हैं, हमने भी दूसरे और आंदोलन भी कवर किए, तो हमने देखा है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी एक डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, चाहे मंत्री महोदय हो, चाहे कोई सेक्रेटरी हो या खुद सीएम हो, कोई आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, अब शाम का समय हो रहा है, हुआ है धरना, ये आंदोलन का टाइम खत्म हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम लोग अभी दिल्ली जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे दिल्ली की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, वो बताएंगे भैया महाराष्ट्र में दो सरकारें हैं, एक तो हमारी बीजेपी सरकार, दूसरा नालासोपारा सरकार। वहाँ पे जो नगर पालिका है वही सरकार है, वही सब कुछ है। वहाँ के जो रहवासी हैं उन लोगों को प्रताड़ना देते हैं, जब मर्जी आएंगे किसी का भी घर खाली करेंगे, कोई भी बिल्डिंग तोड़ेंगे, कोई भी अवैध निर्माण कराएंगे, पैसे खाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी फिर उनको तोड़वाएंगे। जो बिल्डर हैं सब भिखारी बन चुके हैं, जो बिल्डर हैं वो भी प्रताड़ित हो चुके हैं, उनके साथ भी धोखा हुआ, जो उनसे फ्लैट खरीद चुकी है रह रही है उनके साथ भी धोखा, मतलब धोखे पे धोखा देना। ये नालासोपारा सरकार एक अलग से बन गई है जो इन लोगों की नज़र में नहीं है। हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कहीं कहीं जाके मीटिंग कर रहे हैं, सर हमको बचाओ, हम लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन भी टाइप कर रहे हैं कि भैया बचाओ हमको, हमारे साथ इतना गलत अन्याय हो रहा, लेकिन कोई आया नहीं। तो इसलिए हमको आज इधर आना पड़ा क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है। उन्होंने एक तारीख डेट दी है कि हम आके थोड़ा कार्रवाई करेंगे, तो हम तीन चार दिन क्या करेंगे? इससे अच्छा कि हम सब लोग आँख बंद करके दिल्ली चले जाएंगे मोदी जी के। आप दिल्ली गए और पीछे से यहाँ घरों पे थोड़ा कार्रवाई हो गई तो अच्छा रहेगा, वो तो लुटेरे है ही, और उनके लिए अच्छा हो जाएगा। हमारा सामान भी लेकर जाए, हमारा घर भी तोड़ लें, वो जो जमीन है उधर टावर पास करवा लें, पैसे भी इधर उधर से ले लें। हम लोग जाएंगे तो मोदी जी कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम शायद वापस भी ना आए, क्या पता कौन क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। जब इतनी बड़ी 20,000 की संख्या है तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम लोग अपना घर बचाने जा रहे हैं। हम ना किसी के नेताओं के भरोसे है ना किसी के, हम खुद पे भरोसा करते हैं, खुद चल के जाएंगे। इसलिए मोदी के हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।